जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। क्या आप जानते हैं रात को तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखकर सोने का क्या फायदा होता है? तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या फायदा होता है। आज हम बात कर रहे हैं तुलसी की, और आज से आपको सोना है तुलसी को अपने तकिए के नीचे रख करके। और ऐसा आप आज से शुरू करके अगर 43 दिनों तक करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में सारे दुख दुविधाएं दूर हो जाती हैं, बहुत तरह के पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे और हर मुसीबत का हल निकलने लगता है। सारी मुसीबतों से निजात दिला देता है ये तुलसी का पौधा। और जो मैं आपको टोटका बताने जा रही हूँ वो जरूर करें, आप देखेंगे कैसे तुलसी आपके जीवन को बदल कर रख देती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसी के बारे में। हम भारत देश के वासी हैं और हम सभी जानते हैं कि तुलसी को किस प्रकार हम यूज करते हैं। भारत में तुलसी एक पवित्र जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है। विशेष रूप से जहां भगवान विष्णु की पूजा होती है वहां तुलसी की भी पूजा होती है। भारत में तुलसी को हम माता कहते हैं और तुलसी में आग का तत्व होता है। तुलसी मंगल ग्रह के साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए मंगलवार के दिन अगर माना जाता है कि अगर आप हनुमान जी को तुलसी चढ़ाएंगे तो आपके सभी प्रकार की दुविधाएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। अगर आप तुलसी का पत्ता अपने तकिए के नीचे रख करके सोएंगे रात को, सोने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते, चाहे सूखे हो चाहे ताजे हो, वो आप रख करके सोएं, आपके जीवन में स्थिरता लाने में मदद करती है, मन को शांति देती है, खुशी और प्यार प्रदान करती है, पति पत्नी के जीवन में मैजिकल तौर से प्रेम बढ़ जाता है। बहुत सी पत्नियों को ये शिकायत होती है कि उनके पति उनसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो आप ये तुलसी के पत्ते रखकर सोइए और फिर आप देखिए कि कैसे आपके पति आपके पीछे पीछे लट्टू होकर के घूमते हैं। तुलसी जीवन में पैसे तो लाने में मदद करती है, जीवन में तुलसी का पौधा किसी भी तरह की अगर मेंटल डिप्रेशन में कोई भी व्यक्ति है तो उससे भी हमारी सुरक्षा करता है, हमारी मदद करता है। वशीकरण के लिए और अपने लाइफ का जो भी सफर है उसमें खुशकिस्मती लाने के लिए हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका जेब और पर्स हमेशा भरा रहे तो उसमें एक पत्ता तुलसी का रोज डाल लें। आप देख लेंगे कैसे ये आकर्षित करता है पैसे को। आप घर से निकलने से पहले एक तुलसी का पत्ता तोड़कर अपने पर्स में रख लें और देखते जाएं आपके घर में पैसे और जो भी खुशकिस्मती है उसको कैसे आपकी पर्स की ओर आकर्षित करता है। अगर आपका कोई बही खाता है तो उसमें माना जाता है कि अगर एक तुलसी का पत्ता रख दें तो वहाँ भी वो पैसे को आकर्षित करता है। बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। अगर आप सोने से पहले तुलसी को रखते हैं तो माना जाता है कि धीरे धीरे मंदा व्यापार भी चल पड़ता है। और भाग्य चमकाने के लिए 3 दिनों के लिए पानी में तुलसी को रख दें और फिर इस पानी को दरवाजे पर ला करके छिड़क दें। आप देखेंगे अगर आप शॉपकीपर हैं तो कस्टमर्स आपके दरवाजे पे भीड़ लगा देंगे और साथ ही साथ आपकी दुकान पर चोरी आदि का खतरा रहता है, तो वो भी खत्म हो जाएगा। प्यार हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और हम इंसानों को प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके प्यार में सफलता मिले, खुशी मिले, तो अपने शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है आपके बॉडी का उसमें अपने दिल के आसपास हमेशा एक तुलसी रखें। इससे आपको प्रेम में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपके साथी का प्यार बढ़ता चला जाएगा आपके साथ। आपको 43 दिनों तक अपने माथे के सिरहाने तुलसी का पत्ता रखकर सोना है और आप खुद चमत्कारिक रूप से देखेंगे आपका प्यार आपके पास लौटने लगेगा। चोरी से भी बचाती है तुलसी। अगर आप रात को तुलसी का पत्ता सिरहाने रखकर सोते हैं तो घर की सुरक्षा भी होती है। घर के प्रत्येक कमरे में आप सामान की रक्षा के लिए आप चाहें तो तुलसी का पत्ता ऐसे भी रख सकते हैं। हर कमरे में एक छोटे लाल रंग के पेपर में तुलसी के कुछ पत्ते रख दें, ये आपके घर और सामान को सुरक्षित रखता है। जब आप घर को अकेला छोड़ करके जाते हैं तो पीछे से घर की रखवाली के लिए अपने माथे पर कुछ तुलसी के पत्ते रगड़ करके फिर घर से निकले, इससे आपका घर सुरक्षित रहता है। बहुत ही अचूक टोटके होते हैं तुलसी के, एक से एक। और 3 दिनों के लिए अगर आप, जैसा कि मैंने बताया कि तुलसी को पानी में भिगो दें तो पैसा और सफलता दोनों को लाने में ये मदद करती है। इसके बाद ये आपके घर से सभी प्रकार की बुराई को दूर भगाएगी, एक सुखी प्रकार की आपकी इच्छा पूरी होगी। और इस पानी को आपको ध्यान रखना है, 3 दिन के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। आप चाहे तो इस पानी को आप घर में अगर खाना पकाने में इस्तेमाल करेंगे तो माना जाता है कि आपके घर से सभी प्रकार के कलेश दूर हो जाते हैं।
रसोई घर में एक कटोरी में कुछ तुलसी के पत्ते रखने से खाना स्वादिष्ट बनता है और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसे अगर आप सिरहाने रखकर सोते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक फायदे होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते, कलेश ज्यादा होते, तो अपने सोने की जगह पर सोने से पहले अपने तकिए के नीचे 5 पत्ते तुलसी के रख लें और फिर आप देखेंगे कमाल कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सिर्फ 1-2 दिन में नहीं होगा, आपको 43 दिनों तक आपको ये काम करना है और इसके बीच में आपको अपना स्वभाव भी ठंडा रखना है। आप चाहे तो वो तुलसी के पत्ते जो आपने सिरहाने पे रखा है उसे सुबह उठते 2 पत्ती आप पानी के साथ उसे खा जाए और 2 पत्ती अपने हस्बैंड को किसी भी चीज में पीस कर खिला दे, या फिर वो अगर ऐसे ही खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन्हें दे दे, देखें कि बहुत ही अच्छा आपका रिश्ता बन जाएगा। अगर आप परिवार में कलेश को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उन पत्तों को सभी परिवार वालों को किसी भी चीज में जिसमें कॉमन सारे लोग खा सके, तो उसमें या तो अगर सूखी हुई है तो उसमें पाउडर बनाकर, या तो गीली है तो चटनी की तरह पीस करके सबको खिला दे, परिवार में एकता बनने लगती है। बहुत सारे फायदे होते हैं तुलसी के पत्तों के। इसके अलावा जो भी इंसान रोजाना किसी भी संक्रांति को छोड़ करके रोज तुलसी पर जल चढ़ाता है, शाम को तुलसी पर दिया जलाता है, उसके घर परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का असीम कृपा बना रहता है। उसे इस जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बुजुर्गों को स्वर्ग में स्थान मिलता है। संतान उनकी संस्कारी होती है, आज्ञाकारी होती है और घर के सभी संकट कोसों दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी माता के 8 नाम बताए गए हैं, वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। सुबह तुलसी में जल चढ़ाते वक्त इन नामों का आप रट लें और फिर इनके नित्य नाम लेने से जातक को जीवन में कोई भी संकट, कोई भी अभाव नहीं रहता है। उसे सब तरह की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और एकादशी के दिन तो शाम को प्रदोष काल में जो लोग दीपक जलाते हैं तुलसी के आगे जला करके और परिक्रमा करते हैं, तो उनमें जैसे मैंने बताया कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे घर परिवार में प्रेम और सहयोग सदा बना रहता है और अन्न धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। एक गमले में एक तुलसी का पौधा, एक पौधा काले धतूरे का लगा लें। इन दोनों पौधों को प्रतिदिन स्नान कराएं। आप खुद स्नान करें और फिर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर के इनको अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का संयुक्त पूजा का फल मिलता है, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिय होती है, काला धतूरा शिव जी का स्वरूप है एवं तुलसी के जड़ों में ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है। अगर आपको काले धतूरे का पौधा नहीं मिलता है तो आप आंख का पौधा या बेलपत्र का पौधा भी लगा सकते हैं। और तुलसी के पत्ते आप सबको पता है कि बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं, हमारे जल को, हमारे भोजन को शुद्ध और पवित्र कर देती हैं। आपने देखा होगा कि शव के मुख पे भी तुलसी के पत्ते को डालने का रिवाज है। मान्यता है कि इससे मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको लगता है कि तुलसी आपके जीवन में बदलाव ला सकती है तो आप शुभ मुहूर्त में तुलसी की एक जड़ ले आएं और रविवार या गुरुवार जब पुष्य नक्षत्र हो तो उस जड़ को गंगा जल से धोकर, धूप दीप दिखाकर, तिलक लगाकर, पूजा करके, पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने हाथ में बांध ले। इस आसान उपाय से व्यक्ति का तेज बढ़ता है। अगर संतान बहुत ज्यादा जिद्दी हो, बड़ों का कहना नहीं मानती हो, तो उसके तकिए के नीचे भी आप 5 पत्ते तुलसी के रोज रख दिया करें, या फिर घर की पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे के 3 पत्ते रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसको किसी ना किसी तरीके से जरूर खिला दें। आप देखेंगे संतान का व्यवहार सुधरने लगेगा। अगर आप उसके तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रख सकते हैं तो आप वही तुलसी के पत्ते बच्चे को खिलाएं और देखेंगे 43 डेज के अंदर अंदर आपके बच्चे का स्वभाव बदलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी की बहुत ही अचूक सी उपाय, कर लीजिए और देखिए कि आपको कितना लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।